लोडर पंचायत के रोपड़ी गांव में एक व्यक्ति के खाते से लगभग 17,000 रुपए पीएनबी खाते से ऑनलाइन किसी ने निकाल लिए। शमशेर सिंह का कहना है कि उसके मोबाइल पर 2 मैसेज आए, जिसमें पहले मैसेज में 41,000 रुपए व दूसरे मैसेज में किसी ने 27,300 रुपए बैंक खाते से निकाल लिए। शमशेर सिंह का कहना है कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि पैसे आखिर गए तो कहाँ गए। इसके पहले भी उनके खाते से अप्रैल महीने में भी 1 लाख रुपए किसी ने निकाल लिए, जिसमें 50,000 रुपए वापस आ गए थे और बाकी के 49,000 रुपए का कुछ पता नहीं चला। शमशेर सिंह के भतीजे का कहना है कि उनके चाचा के मोबाइल पर ना कोई मैसेज आया, ना किसी ने ओटीपी नंबर मांगा, आखिर पैसे गए तो कहाँ गए। वहीं इसके संदर्भ में उन्होंने पीएनबी बैंक के अधिकारी से बात की। उन्होंने कहा कि बैंक इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। वहीं इसके संदर्भ में भोटा पुलिस चौकी में मामला दर्ज करवा दिया गया है। मेरे चाचा जी श्री शमशेर सिंह गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। मेरे चाचा जी के मोबाइल नंबर पर शाम 7 बजे 2 बार मैसेज आता है, जिसमें 41,000 रुपये व दूसरे मैसेज में आता है कि 27,300 रुपये आपके खाते से निकाल लिए गए हैं। वहीं हम अगली सुबह बैंक में जाते हैं तथा बैंक से इस विषय में पूछते हैं, तो बैंक इस विषय में हमारी मदद से मना कर देता है तथा जिम्मेवारी लेने से मना कर देता है तथा इसके बाद हम FIR करवाते हैं तथा मेरी मैं हम एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। मेरी प्रशासन से अपील है कि हमारे पैसे हमारे खाते में वापस डाले जाएं।